शुरू से इंग्लिश सीखने के लिए आप हमारे चैनल पर जाइए। आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट पर क्लिक कीजिए। प्ले लिस्ट ओपन होने के बाद वहाँ पर लिखा हुआ आएगा स्टेप वन, स्टेप टू, स्टेप थ्री। हर स्टेप में लगभग 25 वीडियोस हैं, तो आपको स्टेप वन से शुरू करना है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द डेस्क देवा इंग्लिश स्पोकन क्लास। फ्रेंड्स, आज हम लोग कैन, कुड, कुड हैव और कुड बी का फर्क समझेंगे। इनमें अंतर क्या होता है और किसका इस्तेमाल कब और किन परिस्थितियों में किया जाता है और किस तरह के सेंटेंसेस बनाने के लिए कैन का, कुड का, कुड बी और कुड हैव का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे। फ्रेंड्स, कैन, कैन का मतलब तो आप लोग जानते ही होंगे, मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ, अच्छी तरह से पढ़ा चुका हूँ। मैं बेसिक के जो वीडियो डाला था मैंने, उसमें है कैन का इस्तेमाल, कुड का इस्तेमाल। ओके फ्रेंड्स, बट आज थोड़ा अलग तरीके से मैं आपको सिखाने वाला हूँ। कन्फ्यूज़ होते रहते हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स कन्फ्यूज़ होते रहते हैं कि कुड का या कुड बी या कुड हैव का इस्तेमाल हम कब और क्यों करते हैं और किस तरह के सेंटेंस के लिए करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अभी हम शुरू करते हैं कैन से। कैन के बारे में आप लोग जानते हैं कि कैन का मतलब होता है सकना, मतलब एबिलिटी बताना। अगर हम बोलते हैं कि आई कैन सिंग, मैं गा सकता हूँ, इसका मतलब मैं अपनी एबिलिटी बता रहा हूँ कि मेरे पास गाने की एबिलिटी है, मीन्स आई एम एबल टू सिंग। ओके फ्रेंड्स, इस तरीके से हम कैन से शुरू करते हैं। आई कैन रन फास्ट। ओके फ्रेंड्स, तो आई कैन रन फास्ट, मैं तेज दौड़ सकता हूँ, ये कहने का मतलब ये हुआ कि मेरे पास तेज दौड़ने की एबिलिटी है। तो इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं कि आई एम एबल टू रन फास्ट। ओके फ्रेंड्स, अगर हम आई कैन रन फास्ट बोलते हैं तो उसकी जगह आई एम एबल टू रन फास्ट भी बोलेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद हम कुड, कुड पे आते हैं। तो ही कुड प्ले का मतलब वह खेल सकता था, ये पास्ट की बात हो गई। कैन का पास्ट कुड होता है, तो वह खेल सकता था, या हम इसको वह खेल सका, इसके लिए भी हम कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ही कुड प्ले, या इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ही वॉज एबल टू प्ले, वह, उसके पास खेलने की क्षमता थी, एबिलिटी थी। ओके फ्रेंड्स, तो ही कुड प्ले, वह खेल सकता था या वह खेल सका। सका, सके, सके के लिए भी हम कुड का इस्तेमाल करते हैं और सकता था, सकते थे, सकती थी के लिए भी हम कुड का इस्तेमाल करते हैं। ओके फ्रेंड्स, जैसे वह पेड़ पर चढ़ सकता था, ही कुड क्लाइंब अप द ट्री, या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि ही वॉज एबल टू क्लाइंब अप द ट्री। ओके फ्रेंड्स, अभी इसके बाद है कुड हैव। तो कुड हैव का इस्तेमाल, यू कुड हैव बुक, इसका मतलब हुआ, ये भी पास्ट की बात हम कर रहे हैं, तो यू कुड हैव बुक, तुम्हारे पास किताब हो सकती थी। ओके फ्रेंड्स, ही कुड हैव मनी, उसके पास पैसे हो सकते थे। हम कभी भी इस तरह का सेंटेंस बोलेंगे कि उसके पास खिलौने हो सकते थे, ही कुड हैव टॉयज, उसके पास पैसे हो सकते थे, ही कुड हैव मनी, उसके पास किताबें हो सकती थी, ही कुड हैव बुक्स। ओके फ्रेंड्स, तो उसमें हम कुड हैव लगाकर बोलेंगे। इसके बाद है कुड हैव प्लस वी थ्री। हम कुड हैव का इस्तेमाल, कुड हैव के बाद हम वी थ्री यानी कि वर्ब का तीसरा फॉर्म रख कर भी हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि यहाँ पर है, दे कुड हैव ओन, वे जीत सकते थे। ओके फ्रेंड्स, दे कुड हैव वोन, यहाँ पे कुड हैव के बाद वोन बताया है मैंने, वोन लिखा है यहाँ पर, कुड हैव के बाद वोन लिखा है, वोन इज द थर्ड फॉर्म ऑफ विन। तो यहाँ पर हम कुड हैव के बाद अगर थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो ऐसा हो जाता है सेंटेंस कि वे जीत सकते थे। ओके फ्रेंड्स, शी कुड हैव बीन अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर बन सकती थी या हो सकती थी। हम दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं कि वह एक डॉक्टर बन सकती थी या वह एक डॉक्टर हो सकती थी। शी कुड हैव बीन अ डॉक्टर। बीन यहाँ पर हमने थर्ड फॉर्म लिखा है बी का, बी वाज वर और बीन होता है, बी का थर्ड फॉर्म बीन होता है। ओके फ्रेंड्स, तो हम कुड हैव के बाद
वर्ब का तीसरा फॉर्म रख कर भी हम सेंटेंस को बनाते हैं, उसके बाद सेंटेंस ऐसा हो जाता है, सकता था, सकते थे, सकती थी। ओके फ्रेंड्स, अभी है कुड बी। कुड बी का इस्तेमाल, योर फादर कुड बी एट शॉप, तुम्हारे पिताजी दुकान पर हो सकते थे। तो यहाँ पर कुड बी हम लिख सकते हैं, पास्ट की ही बात कर रहे हैं हम, कि तुम्हारे पिताजी दुकान पर हो सकते थे। इसमें सिर्फ होना का मतलब बी है, यहाँ पर होना होना ही होगा, मतलब वह छत पर हो सकता था, वे लोग खेत में हो सकते थे, इस तरीका के सेंटेंस आएगा इसमें। अगर इस तरह का सेंटेंस आएगा इसमें, तो इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए हम कुड बी का इस्तेमाल करेंगे। या हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं कि जैसे इसको हमने बताया कि योर फादर कुड बी एट शॉप, तुम्हारे पिताजी दुकान पर हो सकते थे, तो इसी सेंटेंस को हम ऐसा भी बना सकते हैं कि योर फादर कुड हैव बीन एट शॉप। यहाँ पर हैव बीन यानी कि बी का हम तीसरा फॉर्म भी लगा सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, जब भी कुड बी का हम जहाँ इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पर कुड हैव बीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, हम दोनों में से कोई भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके फ्रेंड्स, अभी उसके बाद है ही कुड बी इन ग्राउंड, वह मैदान में हो सकता था। या तो हम ही कुड बी इन द ग्राउंड बोले, या ही कुड हैव बीन इन द ग्राउंड भी बोल सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर हम सिर्फ कुड बी लगाकर भी बोल सकते हैं, या कुड हैव बीन इन द ग्राउंड ऐसा भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके फ्रेंड्स, दोनों में से आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ही कुड बी अ डॉक्टर, वह डॉक्टर बन सकता था, हम इसके लिए इस्तेमाल करते हैं, बट वह डॉक्टर बन सका, इसके लिए भी हम ही कुड बी अ डॉक्टर बोल सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है ना कि सका, सकी, सके, वह खेल सका, ही कुड प्ले, तो ही कुड बी अ डॉक्टर, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वह डॉक्टर बन सकता था या वो डॉक्टर बन सका, लेकिन दोनों हिंदी के सेंटेंस बोलने से अर्थ का फर्क हो जाता है कि वह डॉक्टर बन सकता था, मतलब उसके पास डॉक्टर बनने की एबिलिटी थी लेकिन शायद बन नहीं पाया। अगर हम बोलते हैं कि वह डॉक्टर बन सका, मतलब वह डॉक्टर बन पाया, यानी कि वह डॉक्टर बन गया। ओके फ्रेंड्स, तो इन दोनों के अर्थ में अंतर हो जाता है, बट बोलते वक्त बात करने वाले समझ जाते हैं कि ही कुड बी अ डॉक्टर, वो किस वे में बोल रहा है, और वो समझ जाते हैं कि वो डॉक्टर बन सका या बन सकता था। ओके फ्रेंड्स, तो ये बहुत इजी है, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि कैन, कुड, कुड बी और कुड हैव के इस्तेमाल में क्या फ़र्क है। ओके फ्रेंड्स, फ्रेंड्स अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, आपको हमारे क्लास से कुछ सीखने को मिल रहा है, आप कुछ सीख रहे हो, तो हमारे वीडियो को देखते वक्त लाइक किया कीजिए। लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है, हमारा मोटिव अप होता है और उत्साह मिलता है, हमें हौसला मिलती है आगे वीडियो बनाते रहने की। ओके फ्रेंड्स, और एक बात और, अगर आपका कोई दोस्त है, कोई फ्रेंड है, कोई फैमिली में है, कोई आप फ्रेंड में है जो इंग्लिश सीखना चाहता है और उसे इंग्लिश नहीं आ रही है, उसे प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है कि कैसे सीखे, तो वैसे लोगों को भी आप वीडियो शेयर ज़रूर कीजिए। ठीक है दोस्त, तो अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स, थैंक्स अ लॉट एंड धन्यवाद।